की बात भी चल रही है, लेकिन ये एक किसी एक की समस्या नहीं, ये सामाजिक दिक्कत है। भले ही मैं जिम्मेदार हूँ, लेकिन कूड़ा निश्चित तौर पर उसके लिए हम लोग कटिबद्ध हैं और हमारी जिम्मेदारी है उस कूड़े का मटवा देंगे वहाँ से। और जो आपको जिसे पहले बताया कि प्रशासन शासन जिस भी दिन हमें जगह मुहैया कराएगा, हम तत्काल 2 महीने के अंदर उसके अंदर कोचिंग सेंटर बना देंगे और तत्काल उस कूड़े का निस्तारण हो जाएगा। माघ मेले का कार्य तो शुरू हो गया, वो कूड़ा एक दिन कर दिया गया है और निश्चित तौर पर 2-3 दिन में कूड़ा हट जाएगा और माघ मेला पूरी तरह से अच्छी तरह संपन्न होगा। जहाँ पे कूड़े के लिए जगह निर्धारित की गई वहाँ पे जनता का विरोध है, किस तरीके से आप जो है उस चीज़ को कर रहे हैं? मैं तो व्यक्तिगत तौर पर जनता से रिक्वेस्ट कर सकता हूँ क्योंकि मैं जनता के बीच के आदमी हूँ, लेकिन नगर पालिका की एक मजबूरी है, नगर पालिका के पास अपनी जमीन नहीं है और जहाँ भी प्रशासन और शासन हमें जमीन देगा हमें वहीं पर प्रोसेसिंग सेंटर बनाना है। प्रयास किया गया था क्योंकि कंसर्न गाँव के व्यक्तियों द्वारा कुछ समय से वहाँ पर धरना जो दिया जा रहा था, तो उसी क्रम में हम लोगों ने सारे पक्षों को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर उनसे एक वार्ता की थी ताकि कुछ यूनानिमस तरीके से कुछ समाधान निकल सके। समाधान निकला? इस संबंध में मेरी बातचीत उनसे हुई है, अभी इस पर और प्रयास हम लोग कर रहे हैं। सर मेरा हो पाएगा? ये पहले कूड़े के निस्तारण की मेरी प्रथम प्राथमिकता है, तो उसी आधार पे मैं उम्मीद करता हूँ जल्दी समस्या का समाधान हो जाएगा और हम दोनों चीज़ों करवाने की स्थिति में होंगे। नगर पालिका ने पुलिस प्रोटेक्शन मांगा आपसे कूड़ा? हाँ, उन्होंने एक अध्यक्ष महोदय का एक चिट्ठी जो मुझे मिली है उसमें उन्होंने पुलिस फोर्स और एक मैजिस्ट्रेट की मांग की है, तो इस संबंध में, लेकिन जैसा उनके ईओ द्वारा मुझे बताया गया कि मैटर अभी ऑनरेबल हाईकोर्ट में सब जुटाई से, तो मैं उसके परीक्षण के बाद में जो भी उचित होगा वो कर लेंगे।